मोंटाज तो आप लोगों ने देख लिया है और समझ भी गए होंगे कि आज हम तذکرہ कर रहे हैं निहारी का। तो हम पहुंचे हैं जावेद निहारी और यहां पर बात करेंगे जावेद निहारी में आने वालों से और इसके जायके के हवाले से और इसकी शोहरत इतनी ज़्यादा क्यों है और रेसिपी क्या है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर जावेद निहारी के मालिक ने बता दिया तो जनाब यहाँ पर मगज मौजूद है जो कि निहारी में मिलाकर दिया जाता है, नली निहारी का भी इंतज़ाम है और सादा निहारी तो लोग खाते ही हैं। तो जावेद निहारी कराची के फूड में एक ऐसा नाम कि जिसका हर कोई दीवाना होता है और यकीनन एक बार अगर कोई यहाँ की निहारी खा ले तो बार बार आता है। तो जनाब जावेद निहारी में मौजूद हैं और अहवाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर कोई निहारी खाने में मसरूफ़ है, अपनी पसंदीदा निहारी लोग पसंद कर रहे हैं, किसी को मगज़ निहारी, किसी को नली निहारी, किसी को सादा निहारी पसंद है। तो हम चलते हैं उस शख्सियत के पास जिसने तमाम ही लोगों को इस निहारी का जायका लगा दिया है। जावेद भाई हैं, यहाँ के ओनर हैं और इस दुकान के मालिक भी हैं, तो कुछ गुफ्तगू इनसे करते हैं और इन्हीं से बात करेंगे। जैसे पहले होता था ना हलवा, मुल्तान का हलवा, अब कराची की निहारी जाती है इस तरह। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ये मैंने इसी दस्तगीर में 4.5 फीट की दुकान पे खोला था और मैं आटे की बोरियां बाहर बिछाता था, लोग उस पे बैठ के खाना खाते थे मेरे यहाँ। उसके बाद फिर मैं सामने आ गया, अब ये तीसरी दुकान है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है। तो मैं मेहनत करता रहा, ग्राहकों को जायका लगता रहा और अल्लाह ताला मेहरबानी करता रहा। इंडिया से तो मतलब रिश्तेदार मामू हमारे इस तरह होटल चलाते थे दिल्ली में, यहाँ आके फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा। काम मेरे यहाँ जितने भी आदमी करते हैं ये अपनी जगह है, मगर जो एक मसाले का जायका है वो मेरा अपना जाति बनाया हुआ है। तो उसमें ये होता है कि उसको हम आदमी को देते हैं कि भाई इतनी इतनी चीज़ डाल दो, बस वो डाल देगा। निकालना पड़ता है ना, अगर आपने एक सिंगल प्लेट मांग ली, सिंगल जितनी बोटी तोड़ के डालनी है तो बड़ी बोटी होगी तो तोड़ के डालेंगे ना। इसी तरह घी करेंगे, शोरबा डालेंगे उस पर घी डालना है, आपने नली मांगनी है तो अलग पतीले से डालनी है, तो इसलिए अलग अलग रखनी पड़ती है। पैसे की धमांग के अंदर खोल के बड़ा कारोबार बैठ जाए तो वो तो मामला नहीं ना, आदमी मेहनत करता हुआ आता है तो उसको लोहे के चने चापा हुआ होता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके रहम करता है कि नहीं आज ने मेहनत करी, दे दो इसको।